नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर लखनऊ से, जहां सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर लगाए जा रहे मुकदमों को लेकर अखिलेश यादव ने सपा विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने आजम खान के खिलाफ हो रही कार्यवाही की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। आपके माध्यम से न्याय मिल सकता है। आदरणीय गवर्नर से यही कहा है कि आप लगा लिए सरकार। सलीम भाई लगाइए, सलीम भाई बना लिया अपना। आजम खान साहब माइक लग रहा है, माइक लग रहा भैया, और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। वो जहाँ बीमार है, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें और गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। लखनऊ में आज राम मनोहर लोहिया के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में भी जनता दरबार का कार्यक्रम संपन्न किया। सीएम योगी ने दूर दराज से आए फरियादियों की समस्या सुनी। इस दौरान गोरखपुर के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान एक बार फिर से सीएम योगी का बाल प्रेम दिखाई दिया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने गोरखपुर मंदिर स्थित गौशालाओं में गायों को गुड़ भी खिलाया। खबर फतेहपुर से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल बालू लदे ट्रक ने एक स्कूली छात्रा को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। आक्रोशित पब्लिक ने ट्रक चालक और पुलिस फोर्स की चौकी में घुसकर मारपीट की है। घायल ट्रक चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटनास्थल पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां खुलेआम बोतलों में बिक रहा पेट्रोल बाइक सवार राहगीरों के लिए खतरा बन गया है। दरअसल बाइक सवार दो युवक चेहल्लूम का मेला देख करके अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी एक परचून की दुकान पर बोतल से बाइक में पेट्रोल डालते समय अचानक बोतल में आग लग गई। दुकानदार ने बोतल को इस तरह से फेंका कि उधर से गुजर रहे कुछ राहगीरों को बोतल की आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर आनंद फानंद में पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं पीड़ितों की तहरीर के आधार पर परचून की दुकान पर पेट्रोल बेचने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां कस्बा शिकापुर नगर पालिका चेयरमैन फूलमती राणा ने रंगदारी मांगने वाले 5 आरोपियों को अवैध असलहा कारतूस और घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया है। फूलमती राणा को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा फोन पर कहा गया कि आप चुनाव लड़ रही हैं, और इसके बाद धमकी देकर के 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। आरोपियों के नाम श्यामवीर, सुमित, जय सिंह, हीरा और दिलशाह बताए जा रहे हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां नेशनल हाईवे 730 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिससे पुल की रेलिंग टूट गई और ट्रक का एक हिस्सा नहर में लटक गया। चालक और खलासी ने ट्रक से कूद करके अपनी जान बचाई है। अगली खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा में 228 नियुक्तियों को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने रद्द कर दिया है। जांच रिपोर्ट में साल 2016 और 2021 में हुई नियुक्तियों में पाई गई अनियमितताओं के चलते ऐसा किया गया है। जांच समिति नेक्स्ट 20 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी है। अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को निराश नहीं होना है, अनियमितताओं पर कार्रवाई के लिए सख्ती जारी रहेगी। वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी
संदेशबद्ध पाई गई है। इस परिपेक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जाँच की जाएगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां वनअंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता की मौत की खबर सामने आई है। 18 सितंबर को 19 वर्षीय अंकिता के रिसोर्ट से गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। युवती के गायब होने के मामले में लक्ष्मण झूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार 3 आरोपियों ने कई राज उगले हैं और पुलिस इस मामले की जल्द खुलासा कर सकती है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पिछले कुछ घंटों से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से चारधाम यात्रा मार्ग पर हो रही भारी बरसात के बाद गंगोत्री जाने का मार्ग भी प्रभावित हुआ है। इस संबंध में उत्तरकाशी पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग गंगोत्री जाने की योजना बना रहे हैं वो फिलहाल अगले कुछ दिनों तक अपनी इस यात्रा को स्थगित कर दें। इसके पीछे मुख्य कारण लैंडस्लाइडिंग को बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते 2000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु मार्ग में फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी पुलिस और BRO रास्ते को खोलने में जुटी हुई है। खबर दिनेशपुर से है, जहां एक युवती ने रुद्रपुर के रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग 3 साल पहले उसकी एक युवती से दोस्ती हुई थी, जिसने अपने प्रेम में झांसे में उसे फंसाया और शादी का झूठा वादा देकर के अपने परिजनों से मिलवाता था। लड़की ने जब शादी के लिए कहा तो एक दिन लड़के ने बाथरूम में लड़की की आपत्तिजनक फोटो खींची और उसे ब्लैकमेल करने लगा। 3 दिन पहले युवक ने सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद लड़की ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए थाना दिनेशपुर में युवक के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।